यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर योगी सरकार ने निशाना साधा है। सपा मुखिया ने विधानसभा में नारी वंदन का जिक्र करते हुए योगी सरकार से प्रदेश की लड़कियों की सुरक्षा को लेकर किया सवाल है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा कि यह जो 59,000 शिक्षक भर्ती का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी वंदन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे? लड़कियों को बहनों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी कि क्या नाराजगी है? इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना पर बोलते हुए कहा कि पूरा देश चाहता है कि जातीय जनगणना हो, अंततोगत्वा यही बीजेपी के लोग जातीय जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को वित्त वर्ष 23-24 के लिए 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हो गया। इसके साथ ही विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के उत्तर प्रदेश विनियोग का विधेयक 2023 के पक्ष में बहुमत होने पर अनुपूरक बजट पारित करने की घोषणा कर दी। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पारित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। अध्यक्ष ने बजट के पक्ष में सदस्यों की संख्या अधिक होने से इसे पारित करने की घोषणा की। अध्यक्ष ने विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा भी की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। खन्ना ने कहा था कि प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का कुल आकार 28,760 करोड़ रुपए का है।